नहीं होता है और क्योंकि प्रॉपर ओवर मैच्योरेशन नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से शरीर में दूसरे सिम्टम्स जैसे कि चेहरे पर बाल आना, शरीर में ब्लैक पिगमेंटेशन का बढ़ जाना और खासतौर पर जो नेक के पीछे की तरफ होता है। हॉस्पिटल गोरखपुर में डॉक्टर हूँ। सितंबर का महीना मेनली पीसीओडी मंथ के रूप में मनाया जाता है, इसलिए आइए आज मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देती हूँ। पीसीओएस या पीसीओडी मेनली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जिसके प्रमुख कारण होते हैं आजकल इसका जो प्रमुख कारण है वो है मॉडर्न लाइफ स्टाइल, जिसमें लड़कियां जंक फूड, स्ट्रीट फूड और कोल्ड ड्रिंक वगैरह का बहुत ज्यादा सेवन करती हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन इनसेंसिटिविटी डेवलप होती है, जो धीरे धीरे आपको ओबेसिटी की तरफ बढ़ाती जाती है। प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं होती है और हार्मोनल इम्बैलेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। अब क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से प्रॉपर ओवम मैच्योरेशन नहीं होता है, और क्योंकि प्रॉपर ओवम मैच्योरेशन नहीं हो रहा है तो इसकी वजह से शरीर में दूसरे सिम्टम्स जैसे कि चेहरे पर बाल आना, शरीर में ब्लैक पिगमेंटेशन का बढ़ जाना और खासतौर पर जो नेक के पीछे की तरफ होता है, पीरियड का सही से नहीं आना, फ्लो का कम आना, ज्यादा समय पे पीरियड का आना, ये सब होते हैं। और ऐसे केसेस में ज्यादातर लड़कियों को हार्मोनल पिल्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है ताकि पीरियड्स आ जाए। और अब जो हम इसमें कर सकते हैं या जो चीजें हमारे लिए इसमें हो सकती हैं जिसके थ्रू हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, वो चीजें हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, प्रॉपर 1 घंटे की एक्सरसाइज डेली, ठीक है, ताकि आपके शरीर में कैलोरी जो इनटेक आपने किया है वो बर्न हो जाए। लो कैलोरी इनटेक कीजिए, कम से कम ऑयली डाइट लीजिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने की कोशिश करिए और जितना हो सके उतना ऑयली डाइट्स को और हाई कैलोरी इंटेक्स को अवॉइड करिए ताकि ओबेसिटी ना हो। थैंक यू सो मच।